हेलो एवरीवन, दिस इज हरिंदर साहू फ्रॉम किंग रिसर्च। आप देख रहे हैं एक नया एपिसोड मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। जैसे आपसे मैंने पहले कमिटमेंट किया था, एक नई सीरीज आप लोगों के लेके आने वाला, जिसमें निफ्टी के, बैंक निफ्टी के लेवल्स मैं आपको दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, 4 से 5 स्टॉक्स दूंगा लिस्ट, जो अगले दिन हम किंग रिसर्च के रडार पे रखेंगे। उसके अंदर अगर वो लेवल्स पे काम करेंगे, लेवल्स आएंगे तो काम कर सकते हैं, राइट? तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। सबसे पहला रिकमेंडेशंस मैं आपको बता दूँ, यस, निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल्स 11,247, 11,270 एज अ एक्ट विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। या दिस इज वेरी पावरफुल लेवल्स गाइस, ध्यान दीजिएगा। मेरे निफ्टी फ्यूचर्स के, बैंक निफ्टी के लेवल्स बार बार मैं चेंज नहीं करता, ये लेवल्स कम से कम मैं एक हफ्ते तक मेरे वैलिड रहते हैं, कम से कम बता रहा हूँ। तो ये लेवल्स इतने इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को अपने डायरी पे नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में फीड कर लीजिएगा। अगर 11,247, 11,270 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है, इट विल बी जूम टू किस 11,360, 11,430, 11,470। दीज आर अगेन थ्री इंपॉर्टेंट लेवल्स जहाँ तक हमारे टारगेट जा सकते हैं। और इसके अंदर जो क्रूशियल सपोर्ट है, दैट इज 11,127, 10,890। गाइस दी अगेन, मैं दो लेवल्स दिए हैं, बहुत पावरफुल लेवल्स हैं। तो आप क्या करो, इसके अंदर, इसके आसपास आए तो लेवल्स पे ये स्टॉप लॉस लगा के आप इस पे एज अ बाई लेने का आप सोच सकते हो, ओके? तो डोंट पैनिक। मैं कल भी, मैंने फ्राइडे भी आया था, आपका थर्सडे भी आया, लगातार 2 से 3 दिन मैं बार बार आ रहा हूँ, भाई पैनिक मत होइए, पैनिक मत होइए, अपने गोडाउन को भरने की कोशिश करिए, क्योंकि दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट और एक्यूमुलेट इन गुड स्टॉक्स, राइट? सो बैंक निफ्टी की बात करूंगा। बैंक निफ्टी में जो अबव 29347, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल 29347। अगर ये ब्रेक करता है, अगर ये ब्रेक करता है तो गाइस आप लगा लो, इट विल बी जूम टू केस 29670, 29900, राइट? तो अभी जो बैंक निफ्टी का लेवल चल रहा है, 29,053 का लेवल चल रहा है, इस पर आप नज़र रखिएगा। कल अगर हल्की सी भी मूवमेंट आती है, ये लेवल टूटता है, तो अनएक्सपेक्टेड रैली आ सकते हैं, 29,670 और 29,900 तक के लेवल आपको दिख सकते हैं। तो पहला रिकमेंडेशन मेरा स्टॉक्स के अंदर ये रहेगा, मारुति सुजुकी एज अ माई डार्लिंग स्टॉक। मारुति हमेशा मेरी पैनिक नज़र रहती है इसके अंदर, जैसे कि मैंने आपको फ्राइडे को भी बोला था, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि भैया बाई करो, मैंने खुद भी बाई किया था, उसका स्क्रीनशॉट भी आपको चिपकाया था, और उसमें 220 पॉइंट की रैली इंट्राडे इटसेल्फ वी गॉट। एक ही दिन के अंदर 220 पॉइंट की रैली हमने मारुति में देखा था। किसी को प्रूफ चाहिए, मेरा टेलीग्राम में जाकर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे मैं लाइव आपको फ्री कॉल्स देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी टिप्स एडवाइस को पैसे देने की जरूरत नहीं है। चलिए आ जाओ, तो लेवल 63 कल का, इंट्राडे का मैं लेवल्स बता रहा हूँ, जो भी चार रिकमेंडेशंस दूंगा। मारुति अबव 6310 गो लॉन्ग, बाय एंड सेट रिलैक्स, विल जूम टू किस 6370, 6430। दिस इज प्योर इंट्राडे लेवल्स। सेकेंड स्टॉक एशियन पेंट, राइट? तो एशियन पेंट कीप SL 1780 एंड गो लॉन्ग एट ओपनिंग बेल। तो पहले 5 मिनट के कैंडल का वेट करेंगे, जैसे ही ओपन होता है उसके 5 मिनट पे रडार पे देखेंगे, इसको लगा लीजिएगा कल अपने स्टॉक रडार पे। और ये जो आज CMP क्लोज हुआ है, मतलब फ्राइडे को जो क्लोज हुआ है, 1797 के अंदर क्लोज हुआ है। अगर 5 मिनट के ऊपर तेजी देखेंगे, इसको बाई करने का सोचेंगे, और ये टारगेट हो सकता है, इट विल जूम टू किस 1886, 1905, 1886, 1905 का लेवल आप ध्यान रखिएगा, टारगेट्स लेवल्स हो सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा थर्ड रिकमेंडेशन अपना, बालाकृष्ण इंडस्ट्री, अगेन वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक, above 1108 go long with keep stop loss 1080, it will be zoom to kiss 1137 or 1152। guys ye levels bahut important hai kal ke liye, kal aap dhyan rakhiyega isko nazar pe। aur last but not least SRF CMP 3893, isme darling stock, this is again one of my darling stock, jo main ek 7 star stocks jo bolta hu ye uske andar aata hai। to इसको भी आप, मेजर पॉजिटिव न्यूज के अंदर बहुत जल्दी आने वाली है। एनी पैनिक, कुछ भी अगर 40 50 पॉइंट 70 80 पॉइंट का अगर पैनिक दिखता है, करीब करीब 70 पॉइंट्स का अगर मुझे यहाँ पे पैनिक दिखता है 2 से 3% का, तो मैं इसमें बाई करने का सोचूंगा बिंदास। ये बहुत अच्छा शेयर है और ये CMP के लेवल पर बहुत अच्छा दिख रहा है। तो कल किस तरह का रुझान होने वाला है मार्केट की मॉर्निंग आवर्स में, 5 मिनट वो डिसाइड करेगा। तो इसको भी आप अपने रडार पर रखिएगा और देखिएगा, आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा। एज आई एम सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, गाइस मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हो सकता है मेरे पास भी कुछ अपनी खुद की पोजीशंस हो, बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर चेक कर लीजिएगा। और ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा आपको एजुकेट करना है, जिससे कि आप किसी भी गुमराह में ना पड़ सको, किसी की फ्री की टिप्स, किसी के टिप्स लेने की जरूरत ना पड़े, किसी को PMS देने की जरूरत ना पड़े, खुद समझो कैसे काम करता है। आवर मोटो, लर्न एंड देन अर्न। सो
फाइनली मैं इस चीज़ को वाइंड अप करूंगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो गाइस प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपका लाइक मिलता रहे तो मैं डेली बेसिस पे, आज मैं लेट हो गया, कोशिश ये रहेगी कि डेली बेसिस पे 9 बजे तक मैं आपको ये चीज़ें दे दूँ, अवेलेबल दे दूँ, जिससे कि आप अगले दिन के लिए तैयारी करके बैठ सको, होमवर्क करके बैठ सको। और इसके अलावा लाइव रिकमेंडेशंस मैं टेलीग्राम में देता हूँ, वो टेलीग्राम ग्रुप मेरा जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसको मिस मत करिएगा। और इसके अंदर भी जो आज मैंने आपको स्टॉक्स दिए 4 और निफ्टी बैंक निफ्टी का दिया, इसमें भी कुछ लेवल्स चेंज होते हैं तो मेरे लाइव अपडेट टेलीग्राम में दूंगा, वहाँ पर आप जुड़े रहिए साथ में। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज़।